नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे अशोक लेलैंड और आईटीसी की। इन दोनों स्टॉक्स का हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। दोनों के ही रिजल्ट एक एक्सीडेंट के तौर पे हमारे सामने आए हैं, तो काफ़ी कुछ हमको आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। चलिए सबसे पहले अशोक लेलैंड के रिजल्ट की बात करेंगे। एक सिंपल टर्म्स में अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जस्ट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। रिजल्ट में 150 करोड़ के नुकसान के बदले सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को। तो देखो, प्रॉफिट की आदत पड़ गई है, तो उससे बुरा मत मान जाइएगा। मतलब जस्ट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 150 करोड़ का नुकसान दिया था, खर्चे बढ़ गए थे, उसको हम डिस्कस किए हुए थे। खैर, अभी हम यहाँ पर डिस्कशन पे रहते हैं। 20 करोड़ का इनका नुकसान आया है, वो भी VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट के चक्कर में 85 करोड़ रुपये इनके खर्चे हो गए, नहीं तो कंपनी इस बार बढ़िया प्रॉफिट दिखा देती। तो ओवरऑल सिनारियो में अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो इसको आप लॉस मत समझिए। दिखाना पड़ा है कंपनी को लॉस, क्योंकि VRS में खर्चा हो गया है इनका। लेकिन जनरल टेंडेंसी अगर आप समझते हो रिटेल इन्वेस्टर की, कंपनी लॉस में आई बेचकर भागो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए, इस केस पे आपको कम से कम लॉस नहीं बुक करना चाहिए। अभी मैं समझाऊंगा आपको चार्ट पर चलकर। ओवरऑल सिनारियो में मैं एक चीज़ पहले आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, हर जगह इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में बताया है कि अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये लाइन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, द कंपनी रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 19 करोड़ इस क्वार्टर में, जो पिछला क्वार्टर गया वहाँ पर, और ये सिर्फ वन टाइम VRS कॉस्ट जो कि 85 करोड़ की आई है इसके कारण, ठीक है, इसमें ये इंक्लूडेड है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। यही आपको समझाना था। अगर आप इनकम की बात करोगे, रेवेन्यू ओवरऑल इनकम की बात करोगे, तो 4847 करोड़ रुपए इतनी इनकम हुई कंपनी की। 4037 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले बढ़िया, और जस्ट पिछले क्वार्टर से बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट। इसी कारण कल जो पिछला क्वार्टर था वहाँ पर इनके लॉसेस बढ़े थे, क्योंकि वहाँ पर इनकी इनकम ही नहीं हो पाई थी। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो चार्ट पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ये स्टॉक जहाँ से भागा है टाटा मोटर्स को देखते देखते, तो यहाँ पर जो ये ट्रेड कर रहा है 135 रुपये पे, टाटा मोटर्स के मुकाबले ये अभी भी चीप अवेलेबल है, तो ध्यान इस बात पे आपको रखना है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़, बहुत से एनालिस्ट आपको कह रहे होंगे स्टॉक भाग जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। यहाँ से आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान रखनी है, 130 का स्टॉप लॉस आपके पास क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, 130 का स्टॉप लॉस। उसके अलावा स्टॉक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न बड़ा पॉजिटिव होता है, आप सबको पता होगा ये पैटर्न क्या कहलाता है। और यहाँ से एक पॉजिटिव अपटिक आती ही आती है अगर टेक्निकली स्टॉक चलता है तो, क्योंकि रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आया है। ज़्यादा कुछ उम्मीदें थी भी नहीं अशोक लेलैंड से, और ओवरऑल सिनारियो में भी आप देख रहे होंगे मिक्स्ड सा माहौल है। जो हमारे सामने लॉस लेकर हमारे सामने कंपनी ने रखा है, तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर सकते हैं, उसके लिए हो सकता है आपको बेटर रेट मिल जाए ट्रेड करने के लिए। बाकी एक बार के लिए आपको ये नहीं समझना है कि रिजल्ट बुरा है, ठीक। जिस रिजल्ट से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ वो है ITC, लेकिन अभी थोड़ी सी बात और अशोक लेलैंड की करना चाहेंगे। अगर ये स्टॉक आपको स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो 120 के आसपास जो सपोर्ट है वो बड़ा सपोर्ट है, तो वहाँ पर आप लोगे तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। 130 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही है, तो एक बार के लिए अवॉइड भी कर जाओगे तो वो अच्छी बात है। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 136.50 रुपये इस प्राइस के ऊपर ही आपको फ्रेश बाइंग करनी है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। तो ये आपको बातें समझ में आ गई अशोक लेलैंड के बारे में। अब ITC का डिस्कशन करेंगे। देखिए, इनका रिजल्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया है। अब कोई स्टॉक कितना भी पसंद हो, अगर रिजल्ट ही अच्छा नहीं पेश करेंगे तो होता है ना कि बुरा फील होता है। 4 दिन से लगातार स्टॉक गिर रहा है, एक हाइप क्रिएट हो जाने के बाद सबको लग रहा था कुछ बड़ा होगा, इस वॉल्यूम से भी हमको लग रहा था कुछ बड़ा होगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। क्योंकि पिछले 4 दिन से गिरावट भी हो चुकी है, तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखती है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट पेश किया है एकदम दिल बैठ सा गया है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन में लाएंगे। ओवरऑल सिनारियो में आप रिजल्ट को अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर रेवेन्यू के टर्म्स में मैं बात करूँ, वहाँ पर बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने, 14670 करोड़, ठीक है, टोटल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले क्वार्टर से भी बड़ी है और पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बड़ी है। लेकिन अब आते हैं प्रॉफिट पे, ठीक है, प्रॉफिट पे हम आते हैं और प्रॉफिट दिखाते हैं आपको। जी हाँ, प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एक मिनट मैं ले जाता हूँ मार्कर, 3662 करोड़ इतना प्रॉफिट आया है पिछले साल के इस क्वार्टर से। जी हाँ, ITC थोड़ा सा अलग रिजल्ट हमारे सामने रखता है। यह है पिछले साल का इस क्वार्टर, यह है जस्ट पिछला क्वार्टर, तो ध्यान आपको इस पे रखना है। 4141 करोड़ से बहुत बड़ा ड्रॉप आया है, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा आप। ओवरऑल टोटल इनकम अगर आप देखते हो 13551 करोड़, थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे हुआ है, यहाँ पर आप इसको कंसीडर मत कीजिएगा, दिल पे मत ले लीजिएगा। जस्ट पिछले साल के इस क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट दिखा है, लेकिन प्रॉफिट में
हमको कमी दिख रही है। और जैसे कि ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आप आकर पढ़ोगे तो सारी सिनेरियोज आपको कंपनी बहुत ही पॉजिटिव नोट पे दिखाएगी, सिक्वेंशियल बेसिस पे आपको बताया बताया जाएगा कि हर जगह ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है, रेवेन्यू में ग्रोथ हर जगह, मतलब एक सिंपल टर्म्स में आपको, मतलब होता है ना मसाला लगाकर चीज़ें बताई जाती हैं, समझना हमको किस तरीके से, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है FMCG अदर्स पोस्ट अनदर क्वार्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। FMCG से मैं खुश हुआ हूँ, बिल्कुल खुश हुआ हूँ। अगर आप देखोगे तो जो इनका सेवलॉन ब्रांड है, जिसको इन्होंने हथियाया था, हथियाया नहीं था, मजाक की बात है, इन्होंने अपने अंडर में लिया था, उसने 1000 करोड़ का खर्चा कंप्लीट किया, बहुत पॉजिटिव नंबर है ये ITC के लिए। ओवरऑल FMCG ने इनकी परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई है। अब यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, प्रोग्रेसिव रिकवरी इन होटल एंड सिगरेट बिजनेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये प्रोग्रेसिव रिकवरी क्या होती है, मतलब हम 100 रुपये कमाते थे, हम 101 रुपये कमाए हैं, इसको आप अच्छा नहीं बोल सकते हो, लेकिन कहोगे हाँ भाई साहब रिकवरी है, तो ITC इसको अच्छी चीज़ कह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत बड़े इंप्रूवमेंट की, मतलब होता है ना एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब एक आखिरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कंटिन्यूड क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पैक्टेड ESPB। ESPB ITC के टर्म्स में होता है एजुकेशनल जो कॉपी किताबें बिकती हैं, कुछ इनका एक फुल फॉर्म है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एजुकेशनल स्टेशनरी पेपर क्राफ्ट बोर्ड पेपर क्राफ्ट ब्रांड कुछ ऐसे करके है, आप इसको इग्नोर कीजिए अभी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं उस कारण इनको इनकी कॉपी किताब भी नहीं बिकी है, वहाँ से ये पैसा नहीं कमा पाए हैं, तो ये तो एक बहाना हो गया चलिए, लेकिन आप सिगरेट में क्यों नहीं रिकवरी कर पाए, ठीक है, होता है, होती है बात, होती है, अच्छी बात है, आप ना रिकवरी कर पाओ तो कंपनी के लिए बुरा हो जाएगा, लेकिन हम एक शेयर होल्डर हैं, हम तो चाहेंगे पूरी पूरा भारत सिगरेट पीने लगे, बच्चा बच्चा सिगरेट पीने लगे, ठीक है, एज घटा करके 10 साल कर दी जाए, मतलब एक मतलब मैं जनरल टेंडेंसी बिजनेसेस की बोल रहा हूँ कि एक बिजनेस हमेशा प्रॉफिट देखता है, वो ये नहीं देखता नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप में से भी जो भी लोग ऐसे चीज़ों का कंजम्पशन करते होंगे, हम इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए इससे दूर ही रहिए तो ज़्यादा बेटर है। खैर आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कंपनी किस हिसाब से अपने बिजनेसेस को एक्सप्लेन कर रही है, हमको एक बार के लिए दिखा रही है कि सब कुछ पॉजिटिव साइड जा रहा है, लेकिन रियलिटी हमको कुछ और मतलब रिजल्ट हमको कुछ और रियलिटी बता रहा है, समझिएगा बात को, मैंने आपको रिजल्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप अर्निंग पर शेयर को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, 3 रुपये भी नहीं आया है इस क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर, अगर आप साल ऑन साल जाकर देखोगे तो एक ऐसा समय भी था जो 12 रुपये कमा लेता था, कौन, अपना प्यारा ITC, 12 रुपये से ज़्यादा, अभी ये 12 रुपये भी नहीं कमा पाएंगे, और ये तब की बात हो रही है, तब की बात हो रही है जब हम साल दर साल आगे हैं। इसका मतलब क्या है, कोविड ने जो इम्पैक्ट किया है ITC को, उससे उबर नहीं पाई है कंपनी, इसीलिए इनके स्टॉक प्राइस में 4 दिन से लगातार गिरावट है। इस चीज़ को आप नेगेटिव वे में मत लेकर जाइएगा, 5 रुपये का कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, 4 दिन से गिर भी रही है, तो 4 दिन से जो गिरावट आई है उसको भी समझिएगा, ऊपर से अगर कोई कंपनी 5-6% गिर चुकी है तो एक अच्छी गुड क्वालिटी कंपनी अगर है वो, तो आप बिल्कुल वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, आप कम से कम इन लोगों से तो बेटर पोजीशन में रहोगे जो हड़बड़ी में आकर गड़बड़ी कर गए, जो 300 के टारगेट के लिए यहाँ पर आकर बाइंग कर लिए, 250 के टारगेट के लिए आकर बाइंग कर लिए, उनसे बेटर पोजीशन में हो ना। अभी आपके पास स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है, 220 रुपये, उसके बाद 205 रुपये, उसके बाद 190 रुपये, ये 3 स्टॉप लॉसेस हैं आपके लिए नीचे के लेवल्स पे, तो अगर आपको बाइंग इनिशिएट करनी है 33 यहाँ डालिए, 33 यहाँ डालिए, 33 यहाँ डालिए, तो आपका जो ओवरऑल एवरेज आ जाएगा वो इसी रेट के आसपास आ जाएगा, आप इन्जॉय कर सकते हो रैली। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो इसको अवॉइड कर दीजिए, नीचे वाले पे खरीदिए, ठीक, इसी हिसाब से आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। मैंने जो ये रिजल्ट का डिस्कशन दिया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि ITC के रिजल्ट पे डिस्कशन चाहिए, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, बाज़ार में जो भी एनालिस्ट थे वो बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर ITC से नहीं बैठे थे, उनको भी पता था डेंट रहेगा, होटल बिजनेस में रहेगा, सिगरेट बिजनेस में रहेगा, ओवरऑल पेपर बोर्ड एंड क्राफ्ट बिजनेस में भी रहेगा, आपको पता है कि जब स्कूल ही नहीं खुले हैं, कॉलेजेस में दिक्कतें चल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से डेंट तो मिलेगा ही, और ITC ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हमारे सामने रखता है, और जब इनका मीडिया प्रेजेंटेशन आप देखोगे, आपको ज़रूर देखना चाहिए, BSE इंडिया पर जाकर डाउनलोड करके देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको आपके हमारे लिए हैं बेटर, अगर हम एक बड़ा पैसा डाल के रखे हुए हैं ITC में, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरी कंपनी की इंटैक्ट है। मैं चाहता हूँ कि कंपनी है जो 5 रुपये का डिविडेंड बांट रही है, इसको अपनी ग्रोथ में लगाए, ठीक है,
आप क्या चाहते हो ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि हमको नहीं चाहिए भाई, 2% का हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हम आप हमको 2% का डिविडेंड दो, आप हमारा ये पैसा यूज कीजिए अपने बिजनेस को ग्रो करने में। एज अ शेयर होल्डर मैं यही आपको मतलब आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप भी अपनी कंपनियों से ऐसी ही एक्सपेक्टेशन लगाया कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कंपनी आपसे सवाल पूछती है ईमेल पे, वहाँ पर आप ऐसे जवाब दे सकते हो, हो सकता है कि लहरी प्रयास से होता है, लेकिन लॉन्ग रन में एक मतलब होता ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है। तो ITC के रिजल्ट से मैं खुश नहीं हुआ हूँ, मुझे जो उम्मीदें थीं उससे नीचे ही इनका रिजल्ट आया हुआ है। आप कहोगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इन सब चीज़ों को, अशोक लेलैंड एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। तो दोनों ही जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा घबराहट पाल लेने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटीमेंट दोनों ही स्टॉक में क्रिएट होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को डराने के लिए आंकड़े हैं और रिटेल इन्वेस्टर आंकड़ों से डर जाता है, उसको मैनेजमेंट की कमेंट्री से कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं कि अशोक लेलैंड VRS पे 85 करोड़ खर्च किया है इसलिए लॉस में आया है, उसको कोई मतलब नहीं कि ITC जैसा ब्रांड पेपर बिजनेस में बिल्कुल पैसे नहीं कमा पाया, होटल बिजनेस में कितना बड़ा डेंट पड़ा है पता है आपको, सिगरेट बिजनेस में कितना बड़ा डेंट सरकार दे रही है। ओवरऑल सिनारियो में ITC या अशोक लेलैंड के लिए सिचुएशन अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे सामने जो रिजल्ट आया है वो इतना बुरा भी नहीं है कि हम सारे स्टॉक को बेच कर भाग जाएँ। ठीक है, नीचे ये दोनों ही स्टॉक्स नीचे के लेवल पर बाइंग के लिए आप इनिशिएट कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न आपको देने की काबिलियत भी रखते हैं। आप क्या सोचते हो ज़रा नीचे बताइएगा, अगर कुछ मिस हुआ हो रिजल्ट में उसके लिए माफ़ी, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे हम जो भी चीज़ें हैं उसको कवर जरूर कर लें। आप लोगों के सवाल का इंतजार रहेगा, नीचे पूछिएगा, हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।